आई विश द बेस्ट ऑफ लक फॉर हिम. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है हनी से, वो सब्जेक्ट काट दो. इनफैक्ट आखिरी बात जो हनी के लिए मैंने बोली थी तो डिशो, वो मैंने गाना भी नहीं लिखा था, वो रैप मेरा था ही नहीं. आप उसमें जाके लिरिक्स में देखोगे ना तो आप देख लेना कि मैंने नहीं लिखा था वो गाना. पर मेरे से बहुत बोला गया था कि इस गाने को इसलिए लिखा गया लाइन को क्योंकि मूवी में एक सीन है जहाँ पे वरुण धवन और जॉन एक गाड़ी में है और वो हनी का गाना बजाते हैं तो जॉन भाई रिएक्ट करते हैं, तो उस बात को लेके उस गाने में वो लाइन डाली गई थी. बट आई वॉज द परफेक्ट वन टू डिलीवर इट एज पर एवरीबडी, सो आई डिड इट. तब मैं इसलिए इतनी बातें करता था कि तब में तब का गुस्सा था जो आज से 5 साल पहले का था. काफी चीजें ऐसी हुई जिनकी वजह से हमारे बीच में टकरार आई, पर वो बात खत्म हो गई. मैंने लाइफ में तरक्की कर ली, उन्होंने कर ली, जो चीज आपस में आई मेरे को थोड़ा गुस्सा था निकल गया, फिर अंडरस्टैंड किया. और यार तुम क्या बोल रहे हो, 28 साल के बंदे को जब वो 22 साल का था उस टाइम की सोच के हिसाब से कैसे कंपेयर कर सकते हो तुम? जब आप पैदा हुए थे तो आप पैंटों में सुसु करते थे, उसके बाद आपने सीखा कि टॉयलेट में करना होता है क्योंकि एज बड़ी हुई, आप मैच्योर हुए, इसलिए ना. तो पुरानी गलतियों